नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया डे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यदि आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने व्हाट्सएप को हैक होने से बचा सकते हैं, और साथ ही यदि आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो उसको कैसे आप चालू कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एक SMS दिखाऊंगा, ना तो आपको अपना OTP देना होता है ना ही QR कोड, तो भी आपका व्हाट्सएप हैक हो जाता है। और कैसा आपको व्हाट्सएप की स्क्रीन पर ही वो मैसेज शो होता है, क्या आपको गलती नहीं करनी है, वही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ठीक है, तो आप ध्यान से वीडियो को। तो दोस्तों इस प्रकार का मैसेज यदि आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई देता है तो आप समझ जाएगा कि आपका व्हाट्सएप कोई भी हैक करने की कोशिश कर रहा है। इस समय आपको क्या करना होगा वो भी मैं बताऊंगा, और साथ ही यदि आपका व्हाट्सएप हैक हो जाता है उसके बाद किस प्रकार का आपको देखने को मिलता। तो जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इस टाइप का यदि आपको माई व्हाट्सएप इज बैन दिखाई दे रहा कि आपका व्हाट्सएप बैन हो गया, तो ये किस रीजन से हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इसको कैसे आपको चालू करना वो भी मैं आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको स्क्रीन पर इस प्रकार का मैसेज शो करे, या आप अपने व्हाट्सएप को ओपन करें और इस प्रकार का आपको व्हाट्सएप पर मैसेज देखने को मिलेगा, तो कभी भी आपको ओके के बटन पर क्लिक नहीं करना। अगर आप ओके के बटन पर क्लिक कर देते हो तो आपका व्हाट्सएप कोई भी एक्सेस कर सकता है और आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी। दूसरा, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया लर्न मोर का, तो इसके ऊपर भी क्लिक नहीं करना है। तो इस मैसेज को आप हटाओगे कैसे वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो साइड पर स्क्रीन पर कहीं पर भी आपको टच कर देना है और ऑटोमेटिकली आपको ये जो मैसेज दिखाई दे रहा वो हट जाएगा। ठीक है, तो सबसे अपने जो व्हाट्सएप को हैक होने से बचाना है तो इस टाइप से अगर आपको मैसेज दिखाई दे रहा तो आप इस टाइप से अपने व्हाट्सएप को बचा सकते हैं। दूसरी बात करता हूँ कि बैन। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा नंबर यहाँ पर बैन दिखा रहा है। यदि आप जो अभी मैंने मैसेज दिखाया था कि यदि ओके के बटन पर आप क्लिक कर दोगे तो आपका व्हाट्सएप कोई भी एक्सेस कर लेगा, उसके बाद वो बंदे क्या जो क्या करते हैं हैक करके गलत इनवैलिड एक्टिविटी करते हैं जो व्हाट्सएप की टर्म एंड कंडीशन के खिलाफ होती है, उसके बाद में यदि वो आपके नंबर पर इनवैलिड एक्टिविटी करेंगे तो उसके बाद व्हाट्सएप आपको ब्लॉक कर देता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो इस टाइप का अगर आपको मैसेज आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो व्हाट्सएप है वो बैन हो चुका है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इस बैन को आपको कैसे चालू करवाना है, कैसे खोलना है वापस पहले से की तरह, आप अपने व्हाट्सएप को कैसे यूज़ कर सकते हो, उसके लिए मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को देखकर अपने नंबर को फिर से अनबैन करवा सकते हो और पहले की तरह व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक अगली नए वीडियो में।